तुम्हारी सहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। हेलो दोस्तों, एक मेरा राहुल नाम का मित्र है, उसने मेरे को बोल दिया कि बूढ़ो नहीं इसके करना क्या जाने। दोस्तों सुनिए, मैंने उसको बहुत ही सुंदर जवाब दिया। मैंने उसको कहा, बेटा तू क्या जाने, असलियत में तो बुड्ढो ने ही इसके करना जानते हैं, क्योंकि उसके अलावा कुछ होता नहीं है। इसीलिए उन्हें इसके तो बुड्ढो से ही होता है। इसी बारे में मैंने सुना कि और सब बोल रहे थे ऐसा होता ऐसा होता। उसके बाद मेरी बगल में एक महबूबा बैठी हुई थी, मैंने उसको अपने पास में बुलाया और उसको मैंने कहा, गुनगुनाते हुए दो शब्दों में जो मैं आप सबको सुनाना चाहता हूं। वो मेरी महबूबा आनंदित हो गई उसी समय और मेरे ऊपर लिपट पड़ी। इसलिए मुझे अद्भुत आनंद की अनुभूति हुई और मैंने क्या गुनगुना के सुनाया उसको, आप लोग भी सुनिए। उसको मैंने एक अपने जमाने में जो मेरे जमाने में गाना चल रहा था उसको ही सुना दिया और वो गाना कुछ ऐसा था। निभाना पड़ेगा, रोके जाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। बहुत ही सुंदर मुस्कुराते हुए मेरे गले से लिपट गए, मुझे आनंद की अनुभूति बहुत ही जोरदार हुई। तभी मैंने उसको एक पुनः रिपीट करके एक दूसरा गाना उसको सुनाया और वो बहुत ही आनंदित हो गए और मैं भी आनंदित हुआ। और उस समय जो हम लोगों को मिलाप हुआ वो मेरी पुराने जमाने की महबूबा हुआ करती थी, उस दिन मिली थी मैं उसको गाना सुनाया और वो बहुत ही आनंदित हुई। तो वहां देखने वाले लोगों को भी आनंद की अनुभूति हुई, वो भी अपने अपने आज के जमाने में जो ये सोचता है उसके लिए उसके बारे में सोचने लगे। तो मैंने उसको अगला कौन सा गाना सुनाया पेश करता हूं, आप सबको सुनिएगा। तो मैंने उसको सुनाया था, तुम्हारी सहर का मौसम बड़ा सुहाना लगी, तुम्हारी सहर का मौसम बड़ा सुहाना लगी। एक शाम चुरा अगर गदगद हो गई मित्रों। और क्या वहां पर माहौल था आप सब खुद समझ सकते हैं। और ऐसे ही बूढ़ा होने तक आप सब अपने प्यार को रखना चाहते हैं तो अभी शेयर कर दीजिए और इंतजार करिए उस आने वाले जमाने तक कब तक किसी का प्यार रहता है।
शेयर कर दीजिए और अपने अपने प्यार को अमर बनाए रखिए। ठीक है, नमस्कार, करता हूं।